सावन का महीना शुरू होते ही बाबा भोले की नगरी शिवमय हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि सावन के ही महीने में लिंग का प्रादुर्भाव हुआ था। यह महीना भगवान शिव का भी महीना माना जाता है। यही वजह है कि भोले भंडारी की पूजा को शिव भक्त आतुर रहते हैं। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी भक्त सुल्तानगंज से उत्तर वाहिनी गंगा का जल कांवर में भरकर नंगे पांव बाबा धाम की यात्रा पर निकलते हैं। सावन का महीना शंकर का महीना माना जाता है और मुख्यतया सावन का विशेष महत्व ये है कि जो लिंग का आप लोग अभी दर्शन कर रहे हैं वह आत्मलिंग जो मूल लिंग है जो अंतरिक्ष में निर्माण हुआ था, उत्पत्ति हुई थी, आविर्भाव हुआ था उस प्रकाश पुंज आत्मलिंग का, वो आत्मलिंग का श्रावण के महीने में ही आविर्भाव हुआ है। इसलिए श्रावण का महीना निर्माण का महीना मानते हुए भगवान शंकर के आविर्भाव का स्वरूप का मास माना जाता है और इसलिए श्रावण का विशेष महत्व होता है। पूरे कांवरिया पथ पर इन दिनों भक्ति की अविरल धारा बह रही है। कांवरियों के बोल बम के नारों से पूरा पथ गुलजार है। सावन के महीने में कांवर यात्रा को लेकर कई अन्य विचार भी सामने आते हैं। एक वजह यह भी है कि अधिकांश किसान अपनी खेती समाप्त कर बाबा भोले के दरबार पहुंच यह फरियाद करते हैं कि उनकी फसल अच्छी हो। बोलबम में इसलिए आते हैं कि सावन के पीछे कारण है कि लोग खेती उती करके निश्चिंत हो जाते हैं और सोचते हैं कि चले अब बाबा के द्वार दर्शन करने, चले अब बाबा के द्वार दर्शन करने के लिए निश्चिंत होकर सब मनाते हैं कि फसल अच्छे से उगे और बारिश होवे झूम के, और बारिश में लोग झूम झूम के चलते हैं। हम लोग बोलबम आते हैं इसलिए कि हम लोगों का खेती का काम खत्म हो चुका है और बोलबम आते हैं सावन में एक महीने के लिए बोलबम, जो कि शंकर भगवान के दर्शन होता है और इसमें हम लोग क्या मनाते हैं बाबा से आकर मांगते हैं हम लोग कि भाई खेती का काम अच्छी फसल हो जाए और अच्छा अनाज भी हो जाए और अच्छे कार्यक्रम भी हो। यह सावन महीने की पवित्रता का ही परिचायक है कि 110 किलोमीटर की पैदल यात्रा की मानव श्रृंखला हर वर्ष बनती है। सावन के महीने में सुल्तानगंज से देवघर तक की इस कांवर यात्रा के रोमांच को इसमें शामिल होकर ही महसूस किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जितेंद्र कुमार सिंह, देश लाइव, देवघर।